कौन से साफी को उठाया गया? ये किसने कहा के उठाया गया? किसने कहा उठाया गया? हमारे दौर में तो ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। तीन क्रिमिनल वाकयात हुए, हमारे किस वजीर ने आके कहा कि हमने उठाया? देखिए, फॉल्स पैरेलल ना ड्रॉ किया करें। ये जो आप आके आ जाते हैं ना, नहीं, सवाल नहीं। पहली बात यह कि फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए, फैक्ट्स गलत नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान की तारीख में जो अब हो रहा है ये तो कभी हुआ ही नहीं। उसकी वजह यह है कि किसी मिनिस्टर ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और फ़ख्र से नहीं बताया कि हाँ हम उठा रहे हैं ब्लास्फेमी केसेस में, टेररिज्म के केसेस में। ये जो आपने दो वाकयात लेके पूरी दुनिया में पीडीएम और ये उनके कुछ लाडले फिरते हैं, वो क्राइम थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन हमने करवाई। आप उनको कहें खड़े हों, अब क्यों उधर जाके मिल गए हैं? खड़े हों, बताएं किसने किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं ना जिसने किया है, पर्चा कराएं आके। क्यों नहीं करा रहे आप? तो पता चल गया ना किसने कराया है, तो बताएं आके, पर्चा कराएं। ये फैक्ट्स ना गलत बयान कर रहे करें, इसको फॉल्स पैरेलल कहते हैं अंग्रेजी में। अच्छा, आप सवाल बताइए, सवाल बताइए जी। हमारी हुकूमत के अंदर रोज़ाना सैकड़ों क्राइम होते हैं, अब भी रोज़ाना सैकड़ों क्राइम हो रहे हैं, हुकूमत नहीं कर रही जी। ये तो बताएं ना आके, उसने पर्चा कराना है, मैंने तो नहीं कराना। खुद क्यों नहीं बोलता खुल के? बताए ना उसको, कहीं पर्चा कराए जाके, आप वकील ना बने। बड़े जाती है, हमने भी मजम्मत की थी। आपको याद होगा, नहीं, आपको याद होगा, आप मुझे आके मिले थे, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मजम्मत की थी और हमने कहा था ये नहीं होना चाहिए। हाँ जी, देखिए पहली बात तो जो है मुज़ाकरात के ऊपर, अगर जिस तरह अभी हमाद अज़हर साहब ने आपके सामने जो रखे हैं इकॉनमी के जो फैक्ट्स रखे हैं, अगर पाकिस्तान के मसाइल का सिर्फ यही हल है कि पाकिस्तान में आपने 4,000-5,000 पीटीआई के लोगों को उठा के जेल में डाल देना है और उससे महंगाई कम हो जाएगी, इमरान खान को गिरफ़्तार करने से पाकिस्तान की महंगाई कम हो जाएगी, माशी मसले हल हो जाएंगे, तो हमें वैसे ही बुला लें, हम वैसे गिरफ्तारियां, हम तो पहले जो है हमने जेल भरो तहरीक शुरू की है, हमें आप बुला लें, हम वैसे गिरफ्तारियाँ दे देते हैं। पाकिस्तान के मसले गिरफ्तारियों से ज़्यादा गंभीर हो रहे हैं, उनसे ज़्यादा पेचीदा हो रहे हैं, और मुज़ाकरात का कोई तुक नहीं बनेगी कि अगर आप एक तरफ अली जैदी को, अली अमीन गंडापुर को, इन लोगों को जेलों में डालते रहें और दूसरी तरफ आप कहें हम क्या, फिर मुज़ाकरात क्या होने? अभी मुज़ाकरात का कोई माहौल ही नहीं है और हुकूमत की गैर संजीदा एफर्ट है मुज़ाकरात के लिए। हम पहले ही, हमारी पोजीशन यही है कि आप मुज़ाकरात करें, इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन जो इतने गैर संजीदा माहौल में क्या बातचीत होनी है? तो जमात इस्लामी आई है, हमने उनको भी यही रेट किया है कि जनाब आप मुज़ाकरात में, हम तो पहले ही कह चुके हैं कि हम तैयार हैं, आप आइए बिस्मिल्लाह करिए, लेकिन ये हुकूमत संजीदा नहीं है, ना ही जरदारी साहब संजीदा है, ना इमरान खान की गिरफ्तारी जो है, मैंने जैसा पहले आपको कहा कि अगर तो इमरान खान की गिरफ्तारी से और हमारी गिरफ्तारियों से मसले हल होने हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इमरान खान की कारकुन तो वहाँ वैसे ही होते हैं, वो कुछ सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से थोड़े आते, हज़ारों पहले कर पीपल्स पार्टी ने एक दिन पहले ये मौकफ किया और अगले दिन अली जैदी को कराची में अरेस्ट कर लिया, तो या तो इसीलिए हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पास पानी।
गोलियूस के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो कुआन पाकिस्तानी मुखे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदिया से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समात की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप का ऐलान। सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाए और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ गए और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आए। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।